सबसे पहले मैंने आलू लिए और उनके बड़े बड़े स्लाइसेस काट लिए, उनको पानी ठंडे पानी के अंदर धो लिया। और अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रखी है जिसमें पानी गर्म हो रहा है और उसमें अपने आलू डाल दिए। ऐसा करने से आलू की सारी स्टार्च निकल जाएगी, इसके पीछे एक साइंस है, ताकि हमारे आलू जो है वो क्रिस्पी बनेंगे और सॉफ्ट नहीं होंगे। अब हमारे आलू 60% पक गए हैं। आप ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आप रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज जो मार्केट में मिलती है फ्रोजन वाली वो लाएंगे तो आपको ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, सीधा फ्राई करना पड़ेगा। तो ये बॉईल हो गए हैं 60%, इसको हम बाहर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया, जो गरम गरम जैसे ही हमने आलू निकाले जो 60% हो गए थे अध पके से हैं, उसमें अपन ने कॉर्नफ्लावर डाल दिया। आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है, आप घर पे अवेलेबल अरारोट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, यही हमारे आलू को क्रिस्पी बनाएगा। मिक्स करने के बाद देखिए सारा कॉर्नफ्लावर आलू पे अच्छे से चिपक जाना चाहिए। आपको इसे ठंडा होने देना है 5-1 मिनट, ताकि आलू थोड़े से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब देखिए तेल गर्म हो गया है, अपन इसमें ये आलू डाल रहे हैं। आपको क्रिस्पी रेड होने तक इन आलू को फ्राई करना है, ज़्यादा आलूओं को हिलाना नहीं है। और दूसरी बात, अपन ने आलू को आधा इसीलिए पकाया था क्योंकि आधे आलू अब यहाँ पर पकने वाले हैं। 60% अपन ने इसलिए कुक किया उसको, बाकी के यहाँ पक जाएंगे। क्रिस्पी रेड होने तक धीरे धीमी आंच पे अपन को इसको पकाना है, तब तक ये रेड और क्रिस्पी नहीं, हिलाना नहीं है इसको, वरना सारा स्टार्च निकल, जो कॉर्नफ्लावर का स्टार्च है वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए कलर देख रहे हैं आप, ये आवाज़ सुन रहे हैं, ये आवाज़ ही है कॉर्नफ्लावर का जादू और यही है खाने से प्यार। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि सारे पीसेज आप देख रहे हैं लगभग बराबर आकार के हैं। अगर आप कोई बड़ा या कोई मोटा काट देंगे और कोई पतला, तो फिर आपके सारे आलू एक जैसे नहीं पकेंगे और फिर आप कहेंगे कि आपने बताया नहीं। हमारा दूसरा जादू जो शिजवान की चटनी, आप कोई भी शिजवान चटनी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इंची की कर लें क्योंकि ये थोड़ी सी सस्ती आती है, लेकिन जैसे दूसरी शिजवान चटनीज आती हैं आप कोई भी शिजवान चटनी का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। चिंग्स की भी कर सकते हैं, वो भी अच्छी आती है। अब यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है और इसी में अपन डायरेक्ट शिजवान चटनी डालने वाले हैं। ऑयल इसलिए लिया है ताकि आपके आलू स्टिकी नहीं रहें। अब यहाँ पे मैं कुछ गार्लिक यानी कि लहसुन की 2-3 चीज़ कलियाँ डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं क्योंकि शिजवान चटनी में ऑलरेडी ये डली हुई है। थोड़ा सा रेड ब्राउन हो जाए ये, आप चाहें तो इसमें थोड़े से तिल भी डाल सकते हैं, कई लोग डालते हैं स्प्रिंग ऑनियन डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल रेसिपी बता रही हूँ, टेस्ट एकदम मस्त आएगा। अब हमारी शिजवान चटनी डालने की बारी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि जैसे ही शिजवान चटनी आप डालेंगे बहुत तेज़ उड़ेगी, और इसको थोड़ा सा पकने दीजिए। अब बारी है केचप की, मैंने यहाँ पे किसान का स्वीट स्पाइसी केचप लिया है, तो थोड़ा स्पाइसी वाला लेंगे। मैगी का भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2-3 चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं डालना है। थोड़ा सा यहाँ पर धनिया डाल रही हूँ बस। तो अब देर किस बात की, हमारा सॉस रेडी है, इसमें आलू डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। फाइनली बारी है हमारे मेन इंग्रेडिएंट की, जिसके ऊपर अपना नाम है यानी कि हनी। तो भाई यहाँ पे मैं शहद डाल रही हूँ थोड़ा सा मिठास लाने के लिए। बस तो तैयार है हमारा हनी चिली गार्लिक पटेटो।